हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज प्रियदर्शनी टॉक्स। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। होप यू आर फाइन एंड फुल ऑफ हेल्थ। सो आज मैंने कुछ दिन पहले जो डॉक्टर शालिनी मैम के सैंडलवुड ऑयल का वीडियो बनाया था तो उस पर बहुत सारे लगातार क्वेश्चन आए, आज भी आ रहे हैं। लोगों में एक्चुअली कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस वजह से है कि उन्होंने डॉक्टर शालिनी के वीडियो को तो लंबा समझ के या पता नहीं क्या समझ कर उन्होंने ज्यादा ध्यान से कुछ लोगों ने तो लुक एट माई बेबी शाउटिंग राइट नाउ, कुछ लोगों ने तो ध्यान से सुना है नो डाउट। कुछ लोगों ने 100 में से आई थिंक 50% लोगों ने अच्छे से सुना है, 50% लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है जस्ट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द वीडियो। मैंने भी जो वीडियो बनाया था, मुझे इस बात से ये अंदाजा हुआ कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसके नीचे भी लोग जो मैंने वीडियो में जिन बातों को डिस्कस किया था, जिन बातों को मैंने बताया था, उन्हीं बातों को फिर से लोग पूछ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो मुझे अंदाज़ा लगता है कि कितना ज़्यादा डॉक्टर के लिए, डॉक्टर शालिनी मैम के लिए हेडेक होगा, कितना ज़्यादा ये लोड होगा। हम तो कह के निकल जाते हैं कि वो तो आंसर ही नहीं करती, लेकिन एक्चुअली उनके सारे वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारे वीडियोस में ही उनके आंसर स्वयं मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा कभी हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है हर एक क्वेश्चन को आंसर करना। उनको तो लाखों लाख हजारों हजार क्वेश्चंस आते रहते हैं। यस माय सिंगर बेटा, कीप क्वाइट फॉर सम टाइम राजा बेटा। सो इन बातों को बहुत ज़्यादा गौर करें। हर एक वीडियो में मैंने कहा है, डॉक्टर शालिनी मैम ने तो कहा ही, ऑब्वियस उनका रिसर्च है और मैंने भी उनकी बातों को रिपीट किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स ये अपने बच्चों को नहीं दे सकती है, चाहे उनका बच्चा 3-4 साल का ही क्यों ना हो गया हो और वो ब्रेस्ट फीड अभी भी करा रही हैं, चाहे वंस अ डे करा रही है या हाफ टाइम करा रही है या थोड़ा भी करा रही हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क भी अपना वो बच्चों को पिला रही हैं, अपने बच्चे को दे रही हैं, शी कैन नॉट टेक दिस ऑयल, हैव सम पेशेंस, लेट योर चाइल्ड स्टॉप टेकिंग ब्रेस्ट मिल्क, योर ब्रेस्ट फीडिंग, लेट योर चाइल्ड स्टॉप टेकिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड देन यू कैन गिव इट टू हिम और हर। सो वेट टिल दैट टाइम, you must not be in a hurry because the utmost priority right now should be your child, should be the health of your child. So breastfeeding moms ये बिल्कुल नहीं दे सकती, मेरा बच्चा 15 months का है लेकिन ये breast feed बिल्कुल नहीं करता, ये बहुत छोटे से ही इसने breast feeding stop कर दी थी। unfortunately मेरा cesarean हुआ था operation और baby प्री टर्म हुए थे, रुद्रवीर प्री टर्म बेबी हैं, 7.5 months में ये आ गए थे। सो मेडिसिंस की वजह से, एलोपैथिक मेडिसिंस की ज़्यादा मात्रा की वजह से या जो भी कह लें, मेरा ज़्यादा दूध ये नहीं पी सके हैं अभी तक। इनको शुरुआती के 1-2 महीने ही मैंने अपना दूध पिलाया है, उसके बाद ही वॉज नॉट ऑन माई मिल्क, ये फॉर्मूला मिल्क लेते थे और अब खैर आफ्टर 6 months ऑफ एज आई एम गिविंग हिम सॉलिड फूड एंड सेमी सॉलिड फूड, ही इज़ ऑन सेमी सॉलिड फूड, ये खाते हैं आप तो। और बीच में एक बार मैं फॉर्मूला मिल्क देती हूँ और वरना ये काउज मिल्क अभी लेते हैं, अमूल वाला जो यहाँ आता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स बिल्कुल ना दें, प्रेगनेंट लेडीज बिल्कुल ना खाएं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी प्रेगनेंट, आप प्लान कर रहे हैं कि कंसीव करें, आप ये सोच रहे हैं तो ये अमृत है आपके लिए। ऑफकोर्स जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया, बहुत सारी लेडीज़, मैनी लेडीज़ हैव कंसीव्ड 25 ml के इनटेक से बहुत सारे लेडीज़ प्रेगनेंट हुई हैं, लेकिन एज सून एज यू गेट प्रेगनेंट स्टॉप टेकिंग दिस ऑयल। उसके बाद आपके बेबी के होने के बाद, उसके ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करने के बाद आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा से आप ले सकते हैं, वरना जब से आप प्रेग्नेंट हुए आप इसको फौरन स्टॉप कर दें। एंड कौन से और क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किडनी स्टोन्स वाले, अगेन किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट्स बिल्कुल ना लें इसको, जब तक आपकी किडनी बिल्कुल ओके ना हो जाए आप बिल्कुल नहीं ले सकते किडनी स्टोन में। और जब पीरियड आए तो 10 दिन तक, पीरियड के 10 days, 7-10 days का गैप होना ही चाहिए, बेटर सेफ है आप 10 days का गैप ले लें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये सैंडलवुड ऑयल बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बड़े बड़े डिजीजेस को जो जिसमें ताकत है, बहुत सारे स्टबर्न डिजीज को रिमूव करने की, तो वो
आप समझ ही सकते हैं कि वो स्ट्रांग होगा, तभी उसमें ये ताकत है। तो उसको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा ना ट्राई करें, ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो मेरा ठीक हो जाएगा। कम मात्रा में ट्राई करें, कम ले, गैप करें, 10 दिन का गैप करें। अगर आपके पीरियड में प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैम ने कहा, अगर आपका पीरियड स्टॉप हो जाता है तो जैसे मैम ने कहा है अपने वीडियोस में, गार्लिक डिटॉक्स टी ले, गार्लिक टी लें, जैसा मैम ने कहा है, उनके वीडियोस जाके देखें। 50 ml 4 to 5 times a day 3-4 दिन के लिए गार्लिक टी लें, एंड पीरियड्स आपके टाइम पे आने लगेंगे। हैवॉक ना हो, केओस ना क्रिएट करें, हैवॉक ना होने दे, ज़्यादा भागा दौड़ी ना मचाएं, सब कुछ अच्छा होगा। ये एक्चुअली ये सैंडलवुड ऑयल, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुकी हूँ, ये बहुत ही कूल होता है। तो ये बॉडी पे अलग अलग बॉडी टाइप्स पे अलग अलग इसका असर होता है, किसी को कोई रिएक्शन नहीं होता है। आई मीन कोई भी दिखाई नहीं देता कि मुझे कुछ हो रहा है। मैंने अभी फरवरी में 16th of February से खाना शुरू किया है, एंड टुडे इज़ 3rd of March, राइट? यस, 3rd of March। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ना ही मेरे पेट में दर्द हुआ है। इनफैक्ट मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं टूटना, मेरे स्किन का जो पैच यहाँ पे हो गया था, 2 pigmentation marks हो गए थे, जिसके लिए मैं हॉस्पिटल भी गई थी, 7 Hills क्या इन मुंबई, नवी मुंबई, वहाँ जहाँ पे रुद्रवीर का जन्म हुआ था। तो वहीं जब मैं इनके लिए गई थी तो वहीं पे मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाया था, और उन्होंने कहा था, मुझे दवाएं दी थी, क्रीम्स दिए थे, जो कि अभी तक मेरे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में पड़े हुए, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा महंगे थे। और मुझे विटामिन सी की उन्होंने टैबलेट्स दी थी, कही थी कि खाना है आपको विटामिन सी सुबह एंड शाम, लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं दिखा। लेकिन मैं ये सैंडलवुड ऑयल अभी जो 10, 12, 13 दिन जितने भी दिन हुए मैं जो ले रही हूँ, मुझे असर दिख रहा है कि ये कम हो रहा है। तो ये मुझ पे पर्सनली मुझ पे असर हुआ है। एक लेडी ने मेरे वीडियो पे जाके कमेंट किया है कल, शायद झूठी है ये, मैंने 1 महीने लिए हैं अभी मुझ पे कोई असर नहीं दिखा है, इसे 15 दिन में ही कैसे असर दिखा है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें आंसर भी किया है कि मैंने 15 दिन भी नहीं लिए, मतलब कि मुझे 15 दिन में भी नहीं, मुझे 10 दिन के अंदर ही असर दिख गया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे दिख गया है तो मेरे बाल जो कि साफ दिखते हैं, अब्रप्ट, आई मीन मैजिकल है मेरे बाल पे तो इफेक्ट इसका। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। और मैं अपने मॉम को एक्चुअली मैं कितनी बार पूछती थी, मम्मा मैं गंजी तो नहीं हो जाऊँगी, मम्मा बोलते थे नहीं नहीं वो दोबारा बाल रीग्रो करते हैं, लेकिन बाल रीग्रो करे वो तो अलग बात है, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कम हो गया है। अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स हेयर पे मेरा है, पर्सनली मेरा रिस्पॉन्स है ये। And my skin, the scar of the skin has started lessening. It has not completely gone, but it has lessened a lot. और open pores की, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे है स्कूल डेज में मुझे पिंपल्स हुआ करते थे, तो ओपन पोर्स की मुझे शिकायत है, जो कि इससे ओपन पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं। आपकी स्किन की टेक्स्चर डेफिनेटली जब अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द डोसेज, बहुत सारे लोग डोसेज के बारे में पूछते हैं, तो डोसेज मैं कैसे लेती हूँ। पर्सनली मैं 15 ml को 2 बार लेना है मॉर्निंग टाइम। मैं प्रेफरेबली मैं एम्प्टी स्टोमक लेती हूँ, स्पीकिंग अबाउट मी आई ऑलवेज टेक एम्प्टी स्टोमक, मैं और मेरे हस्बैंड भी एम्प्टी स्टोमक ही लेते हैं। तो सो के उठती हूँ मैं, उसके बाद मैं ले लेती हूँ, आई मीन ब्रश वश के बाद मैं ले लेती हूँ 50 ml ल्यूक वॉर्म वाटर, 50 ml, उसमें बस एक ड्रॉपर उसके साथ आता है, उस ड्रॉपर में थोड़ा सा निकाले ऑयल, 1 drop, बस 1 drop डाले 50 ml में, और एक बार में गटक जाए उसको, एक बार में पी जाए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये 15 ml वाला ना बिल्कुल सैंडलवुड ऑयल जैसा बहुत ज़्यादा अच्छा, आई मीन उसके बाद अगर आप बर्क भी करते हैं ना तो वो आपके माउथ में उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने एक्चुअली 25 ml वाली, जैसे मैंने कहा था, अभी तक मैंने ट्राई नहीं की है, मेरी मम्मा ने ट्राई की है, सेकेंड डोज भी वो मंगा चुकी है, मंगा के वो रख चुकी है, क्योंकि उनका 1 महीने से ज़्यादा हो गया ट्राई कर, 25 ml लेते लेते तो अब ख़त्म होने वाला होगा, या अभी बाकी होगा तो पापा को देना है। हाँ, एक्चुअली वो पापा को देना है, पापा
को मामा देना चाहती है, तो इसलिए मामा ने मंगाई है। एक तो मामा यूज़ कर रही है, तो उसके स्मेल के बारे में तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसा मुझे पता चला है, डॉक्टर शालिनी ने भी बोला है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, उसमें हर्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसका उसकी जो खुशबू है वो सैंडल वुड ऑयल से थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन ये जो 15 ml है ना, इसमें सैंडल वुड ऑयल ज़्यादा है, तो इसलिए इसको शायद इसलिए दो टाइम ही खाना है, क्योंकि ये और ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें सैंडलवुड ऑयल ज़्यादा है। ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इसमें सैंडलवुड ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा ठंडा होगा पेट में, तो इसलिए इसको दो बार ही खाना है। और 25 ml में जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब्स है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उसको दिन में तीन टाइम खाना है। मैं अपना कमिंग नाउ टू द स्टोरेज, मैं अपना जो 15 ml जो लेती हूँ, मैं उसको बस सुबह लेती हूँ, शाम को लेती हूँ 6:30 के लगभग, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 7 o'clock के लगभग मैं ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड शूट से देर से आते हैं, तो वो देर से लेते हैं, उनको 9 बज जाते हैं, कभी कभी 10 बज जाते हैं, एंड कभी कभी 8:30 बजे भी लेते हैं, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो वो, और टच वुड कोई इसका ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ है कि उनको कोल्ड एंड कफ हो गया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आई टेक इट बिटवीन 6:30 to 7 p.m. एंड एक मॉर्निंग में मैं लेती हूँ इसको, मैं स्टोर करती हूँ रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में नहीं, रेफ्रिजरेटर में मैं स्टोर करती हूँ, और बस 1 drop आपको लेना है 50 ml वाटर में, मैं लेती हूँ। अब कमिंग टू द ऑयल बेस्ड, ऑयल बेस्ड के बारे में डॉक्टर ने, डॉक्टर शालिनी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं कि किस किस ऑयल में कौन कौन से पेशेंट्स ले सकते हैं, कैसे। फॉर एग्जांपल मुझे, फॉर एग्जांपल थायराइड के जो पेशेंट हैं, तो वो कोकोनट ऑयल में ले, कॉम्प्रेस्ड, कोल्ड कॉम्प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जो आता है, एडिबल जो आता है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल में वो ले। बहुत सारे अलसी में भी है, लेकिन थायराइड नहीं, आप जाके ध्यान से उनके वीडियो को सुने, कोकोनट ऑयल में थायराइड पेशेंट्स ले। ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि मेरी मामा इज अ थायराइड पेशेंट, सो आई रिमेंबर दिस। हालांकि माय मदर टेक्स इट इन ल्यूकवॉर्म वाटर, एंड देन आल्सो शी फील्स सच अ डिफरेंस विद इन हर सेल्फ, इन साइड हर बॉडी। उनकी जो यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण एंकल में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दर्द होता था, चुभन होती थी, तो वो कम्प्लीटली गायब है। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हमेशा रहता है, सोर थ्रोट रहता है हमेशा, या इसको लेने से अगर रहता है आपको, क्योंकि ये ठंडा है ऑफकोर्स, तो आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, या गला पक जाता है, सोर थ्रोट जिसे कहते हैं वो होता है, तो आप 1 teaspoon मस्टर्ड ऑयल ले, उसमें 1 drop डालें, जैसा कि 50 ml वाटर में हम डालते हैं, तो उसको 1 teaspoon किसी भी ऑयल में आप 1 teaspoon ले और 1 drop उसका डालें। और अगर आपको समझ में कोई भी ऑयल नहीं आए, तो सिंपल आप स्वीट आलमंड ऑयल ले, जो एडिबल होता है, उसको 1 teaspoon ले और 1 drop उसको डाल के और उसको पी जाए, सिंपल। और अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आप वाटर में ले लें, नॉर्मल वाटर में, ये बहुत ज़्यादा, ये भी फायदेमंद है, इट डज नो हार्म टू आवर सेल्स। डॉक्टर चालिनी ने खुद ही रिकमेंड किया है कि हम पानी में ले सकते हैं, वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर या रूम टेम्परेचर वाले वाटर में, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, तो आप वैसे ले लें, हैसल फ्री है, टेंशन फ्री है। और अगर आप ऑयल बेस्ड लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप ऑयल बेस्ड भी ले सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को करने से पहले उनके वीडियोज़ को देखें, क्योंकि वीडियोज़ को देखे बिना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे लेना है। और आप यूं ही क्वेश्चंस पूछेंगे, एक चैनल पे पूछेंगे, वहाँ जवाब नहीं मिलेगा, आप दूसरे यूट्यूबर से पूछेंगे, डॉक्टर शालिनी मैम से पूछेंगे, जबकि उन्होंने हर एक जवाब अपने जो भी, जितनी बार उन्होंने इस पर वीडियो बनाए हैं, 15 ml के लिए अलग उन्होंने वीडियो बनाया है, डोसेज ऑफ 15 ml के लिए अलग वीडियो है, डोसेज ऑफ 25 ml के लिए अलग वीडियो है, आप जाके देखें कि कैसे कैसे लेना है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए लेना है, वो सब उन्होंने बना रखा है, तो आप जाके माइन्यूटली देखें, आपको हर एक क्वेश्चन का डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। सो सारे आंसर्स उनके वीडियोज़ में मौजूद हैं, स्वयं ही आप जाकर ध्यान से देखें, एक बार समझ में नहीं आई आती आता है तो दो बार देखें, दो बार नहीं तो 3 बार देखें, हर एक चीज़ आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको सब कुछ नया लगेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नए लगेंगे। सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, रुद्रवीर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नो बेटा, ये भाग के किचन में जाते हैं और इनका फेवरेट काम है किचन के ड्रॉर्स खोलना, मुझे डर लगता है ये कहीं अपनी उंगलियां ना दबा बैठे, इसलिए मैं जाती हूँ। तो आपको सारे
क्वेश्चंस के आंसर्स उनके वीडियो में मिलेंगे। एक बार समझ में नहीं आता, आप दो तीन बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे आई स्वेयर आपको नई नई चीज़ें ही जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। जिन पॉइंट्स को आपने छोड़ रखा होगा या मिस कर दिया होगा, वो सब पॉइंट आप सुन पाएंगे। वैसे ही जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ आता है, दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है वैसे ही। तो आप देखें समझे, और मैं जल्दी ट्राई करने वाली हूँ। बेजिल सीड्स के इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डॉक्टर शालिनी मैम ने वीडियो बना रखी है वेट लॉस में, तो मैं अपने वेट लॉस के लिए वो जल्दी ही ट्राई करने वाली हूँ। मैंने अमेजोन से मंगवा भी रखा है, सो आफ्टर ट्राइंग इट फॉर सम डेज मैं जैसे अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे इफेक्ट उसका पाऊंगी, आपको ज़रूर आपके बीच में शेयर करूंगी। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी डू ट्यून इन ऑलवेज टू प्रियदर्शनी टॉक्स, रिमेन ट्यून्ड इन टू माई चैनल दैट इज प्रियदर्शनी टॉक्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो टिल देन टाटा बाय बाय। अभी तक मैंने बेजल सीड्स मंगाई नहीं है, अभी मैं मंगाने वाली हूँ। सो ऑलवेज बी ट्यून्ड इन टू प्रियदर्शनी टॉक्स, कुछ टाइम निकाल के वीडियोज़ देखें, और भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करती हूँ, देखें, एनकरेज करें एंड ब्लेस करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज प्रियंका प्रियदर्शनी साइनिंग ऑफ। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको थंब्स दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज प्रियदर्शनी टॉक्स। फॉर दैट प्लीज क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन राइट हियर एंड देन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिमेन नोटिफाइड विद ऑल द वीडियोज आई पोस्ट। And do share between your friends, like it, comment on it, take care. कोई भी आपके queries हों या comments हों, please आप ज़रूर पूछें, जहाँ तक मुझसे possible होगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शालिनी की वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो सके और आप दूसरों की भी मदद कर सके जो ये सब नहीं जानते हैं, आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, रिमेन फिट एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव एवरीबडी हु कम्स इन योर लाइफ, बिकॉज एवरीबडी हैज़ ए स्पेशल कॉज टू कम इन योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।